उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पूरे प्रदेश में घूमकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बार बार आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार हमसे डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार कर रही है, पक्षपात कर रही है, केंद्र से हमें कम पैसा मिल रहा है। वस्तु स्थिति रियलिटी अलग है। केंद्र ने पहली बार देश में जो संघीय राज्य ढांचे का जो पुरस्कार किया है और पूरे देश में 42% तक बढ़ाया है, वही उत्तराखंड के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। इसके पहले यूपीए सरकार के टाइम उत्तराखंड को जितना निधि जा रहा था, फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के आंकड़े मेरे पास है, उसमें आज तक 2014-2015 में पुराने सरकार के हिसाब से 4421 करोड़ रुपया केंद्र से उत्तराखंड को जा रहा था। इस सरकार के कार्यकाल में वो आंकड़ा बढ़कर 5807 करोड़ रुपया हुआ है। ये टोटलिटी में 31% ज़्यादा है। और गए 5 साल के फाइनेंशियल कमीशन के रिपोर्ट देखेंगे तो 2010 से 2015 तक उत्तराखंड को जो पैसा मिला है वो मिला है 15965 करोड़, और अब आने वाले दिनों में जो कैलकुलेट हुआ है वो मिलने वाला है 40967 करोड़। इसका मतलब 25000 करोड़ रुपया ज़्यादा आने वाले 5 साल में उत्तराखंड को मिलने वाला है। यह आंकड़ा 156% ज़्यादा आ रहा है। तो प्रदेश की जनता को झूठे आंकड़े देकर हरीश रावत जी जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उसका हम निषेध करते हैं। ये आंकड़े फाइनेंशियल कमीशन के आंकड़े हैं। इसके अलावा उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाना जाता है, टूरिस्ट के आधार पर उत्तराखंड चलता है। गए 2 साल से जो त्रासदी के बाद जो पुनर्प्रस्थापन के काम होने थे वो काम ना होने से पूरे देश से आने वाले टूरिस्टों की संख्या में बहुत कमी आई है। इसका भी असर पूरे उत्तराखंड पर है। ये जो इतने कम रफ्तार से जो काम हो रहा है इसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। अपनी सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में ना बोलकर केवल झूठे आरोप प्रत्यारोप कर जो राजनीति कर रहे हरीश रावत जी उसका हम निषेध करते हैं। और ये सही आंकड़ों के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को हम प्रबोधन करेंगे और जनता तक ये आंकड़े पहुंचाएंगे।